हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता में, और जहां से आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इंग्लिश के कुछ ऐसे पार्ट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिसका किसी विशेष चैप्टर से लेना देना नहीं है। इसको जब आप पढ़ेंगे वहीं पे आप समझ सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आती रहती हैं। जैसे एक आपने सुना होगा, एक पार्ट होता है कई बार होता है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ये परेशान करता है कि मेड ऑफ का यूज़ कहाँ और मेड फ्रॉम का यूज़ कहाँ। ठीक है, इसी तरह से एक और जोड़ी हमारे पास बन जाती, वो हो जाता है हमारे पास क्या, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद। ये भी बहुत परेशान करते हैं कि पार्ट फ्रॉम कहाँ लगेगा, पार्ट विद कहाँ लगेगा। फिर एक बात इसमें और आ जाती है, और वो क्या हो जाता है हमारे पास, Tired of and tired from, tired of and tired from का फिर एक यूज़ हमें परेशान करता है कि कहाँ पे tired of और कहाँ पे tired from। ध्यान से आप देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करते हैं जो इससे मिलते जुलती हैं। आपको वर्ड्स तो एक जैसे लग रहे हैं, प्रीपोजिशन जैसे दूसरा बदला, मीनिंग बदल गई है, तो थोड़ा सा एक काम हम करेंगे, पहले समझते हैं कि इनके साथ अगर प्रीपोजिशन लगा तो मीनिंग में क्या चेंजिंग आती है, उसको समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें ग्रामर के ऊपर, क्योंकि ग्रामर और मैथ्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। तो एक बार देखते हैं, ध्यान से आप देखिए, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की बात अगर मैं करता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा मेड ऑफ समथिंग, ये STH का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग, और बार बार मैं यूज करूंगा SB मतलब क्या हो जाता है, somebody। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमने लिख दिया suppose somebody। तो जहां पे somebody का सेंस आएगा वहां पे somebody की बात करेंगे, और जहां पे समथिंग आएगा मतलब किसी वस्तु का, तो वहां पे हम वस्तु की बात करेंगे। मतलब कहने का ये रहा कि पर्सन के साथ कभी कभी प्रीपोजिशन बदल जाते हैं और थिंग्स के साथ प्रीपोजिशन दूसरे हो जाते हैं। तो ये पर्सन और थिंग्स का चक्कर कई बार हमें परेशान करता है, ध्यान से सोचना है आपको, काम करना है। तो लेट्स सी, मेड ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो गया, किसी चीज से बना हुआ, और मेड फ्रॉम समथिंग का मतलब भी होगा किसी चीज से बना हुआ। अब ये चक्कर क्या है, बनेगा तो क्या फर्क आएगा, आप उसको समझिए ध्यान से। जब हम मेड ऑफ की बात करते हैं तो जो क्वालिटी है, जो गुण है, क्वालिटी डजंट चेंज, वो बदलता नहीं है। ठीक है, जो गुण है वो नहीं बदलता है जब हम मेड ऑफ यूज करेंगे तब, और जब हम मेड फ्रॉम लगा देंगे तो क्वालिटी बदल जाती है। तो मतलब यूं कहा जाए तो मेड फ्रॉम में क्या होगा, क्वालिटी चेंजेस, मेड फ्रॉम क्वालिटी बदल जाएगी और मेड ऑफ में क्वालिटी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, बाल्टी, बकेट, स्टील की बाल्टी आपने ले ली, अब स्टील की बाल्टी किससे बनती है, ऑब्वियसली स्टील से बनेगी। तो स्टील से बना स्टील की बाल्टी, तो क्या उसका गुण बदला, नहीं बदला। तो मैं कह सकता हूं कि स्टील बकेट इज मेड डैश स्टेनलेस स्टील, क्या आएगा, ऑफ या फ्रॉम, क्वालिटी चेंज नहीं हुई, ऑफ आएगा। क्वालिटी चेंज नहीं हुई तो क्या आएगा, ऑफ आएगा, और क्वालिटी अगर चेंज हो जाए तो क्या आएगा, फिर वहाँ पे फ्रॉम आएगा। जैसे आपने बनाया रसगुल्ला, रसगुल्ला बना कैसे, पहले छेना और फिर उसके बाद रसगुल्ला, छेना कहाँ से आया, दूध से आया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि रसगुल्ला बना है दूध से, तो रसगुल्ला इज मेड डैश मिल्क, क्या आना चाहिए यहाँ पे, उस गैप में आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम, क्योंकि क्वालिटी बदल चुकी है। कुछ लोग इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अगर केमिकल चेंजेस हो जाएं, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर हम यूज़ करते हैं मेड फ्रॉम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन तो पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं मतलब क्वालिटी बदल जाती है, फिर आप वापस उस क्वालिटी को नहीं पा सकते, तो ये हमारा जाएगा मेड फ्रॉम में, राइट। पार्ट फ्रॉम समबडी और पार्ट विद के साथ क्या यूज़ करते हैं, पार्ट विद समथिंग, मतलब यहाँ चक्कर था समथिंग और समबडी का अलग अलग हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए क्या मतलब हुआ इसका,
जब मैं पार्ट फ्रॉम somebody बोलता हूँ तो पार्ट फ्रॉम somebody का मतलब क्या निकल के आता है, किसी से अलग होना, मतलब यूं कहा जाए सेपरेट होना, किसी से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद समथिंग का मतलब क्या निकल के आ गया, पार्ट विद समथिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी को कुछ देना, ध्यान रखना इस बात का। अब ये मत सोचना कि पार्ट का मतलब यहाँ पे अलग होने का ही सेंस आएगा, पार्ट विद समथिंग का मतलब होगा टू गिव समथिंग, कुछ देना। जैसे मान लीजिए मार्कर मेरा है, अब कोई बोले भाई मार्कर दे दो आप मुझे चाहिए, मैंने कहा यार मेरे पास एक ही मार्कर है, मुझे क्लास में पढ़ाना है, आई कांट पार्ट विद दिस मार्कर। मार्कर छोड़ो, मोबाइल फोन, क्या आप किसी को दे सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जान है। मोबाइल फोन में क्या बसती हमारी जान, ये गया मतलब हमारा पूरा अस्तित्व तो खत्म हो जाता। आज के दौर में मोबाइल फोन का इतना इंपॉर्टेंस हो गया, और कोई एक घंटे के लिए के चला जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या पता उसका फोन आए तो कैसे रिसीव करेंगे। तो कहने का मतलब ये रहा, आई कांट पार्ट विद दिस मोबाइल फोन, ठीक है। और कुछ समय के बाद अगर ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा, आई पार्टेड फ्रॉम हर इन 2015 एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो वेयर शी इज, मतलब क्या कि मैं उससे अलग हो गया 2016 में या 15 में और अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो पार्ट फ्रॉम समबडी मतलब सेपरेट होना, गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना किसी से, एंड पार्ट विद समथिंग का मतलब क्या हो गया, टू गिव समथिंग, किसी को कुछ देना। अब देखते हैं ध्यान से आप टायर्ड ऑफ और टायर्ड फ्रॉम इनमें क्या अंतर आता है। जब मैं टायर्ड ऑफ की बात करता हूँ तो इसका मतलब दो और वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन अलग होके इसी मीनिंग को देते हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ। टायर्ड ऑफ के साथ कुछ और वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। टायर्ड ऑफ के अलावा ये आ सकता है फेड अप विद, क्या हमारे पास हो गया, फेड अप विद हमारे पास हो गया। और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो टायर्ड ऑफ हो गया, एक फेड अप विद हो गया, और एक वर्ड यहाँ पे और हमारे पास आ जाता है, और वो हो जाता है सिक ऑफ, सिक ऑफ, ठीक है। सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद, तीनों वर्ड की मीनिंग एक है, और वो मीनिंग क्या है ध्यान से आप देखिए, दैट इज गेट बोर्ड, क्या मतलब हो गया, ऊब जाना, क्या सेंस आ गया यहाँ पे, ऊब जाना, गेट बोर्ड इज ऊब जाना। टायर्ड फ्रॉम, टायर्ड फ्रॉम समथिंग, इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, मतलब हो जाता है गेट एग्जॉस्टेड, बोले तो सेंस क्या आ गया, थक जाना। गेट एग्जॉस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, थक जाना। तो अपने पास बात यहाँ पे क्या निकल के आई, टायर्ड फ्रॉम समथिंग थक जाना, टायर्ड ऑफ समथिंग गेट बोर्ड ऊब जाना। आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंस क्या निकल के आ रहा है। एक बार मैं इसको रिकैप करा दूं और फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके ऊपर, ध्यान से देखें कि क्या क्या सेंस हमारे पास आया। जब मैं बात करता हूँ मेड ऑफ, तो सेंस क्या आता है कि आप क्वालिटी चेंज नहीं कर रहे हो। जब मैंने बोला मेड ऑफ तो क्वालिटी जो है वो वही रहती, चेंज नहीं होती। जब मैंने बोला मेड फ्रॉम तो क्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मेड फ्रॉम में क्वालिटी चेंज हो जाती है। जब मैंने बोला पार्ट फ्रॉम समबडी तो सेंस क्या निकल के आ गया, किसी व्यक्ति से अलग होना, दुख होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड पार्ट विद समथिंग का मतलब क्या हो गया, उसको कुछ देना, है ना, किसी को कुछ देना, दिस इज पार्ट विद समथिंग। जब मेरे पास आएगा टायर्ड ऑफ, तो टायर्ड ऑफ, टायर्ड फ्रॉम तो जोड़ा बना, टायर्ड ऑफ के दो और वर्ड्स हो जाते हैं फेड अप विद और सिक ऑफ, दोनों का सेंस एक ही हो गया, गेट बोर्ड ऊब जाना। किसी की हैबिट है स्मोकिंग की, या बिजली का बल्ब हमेशा जला छोड़ के जाने की, यार आई एम फेड अप विद हिज हैबिट, आई एम फेड अप विद दिस, आई एम सिक ऑफ हिज बैड हैबिट्स, आई एम सिक ऑफ हिज केयरलेसनेस। तो क्या मतलब हुआ कि मैं उसके केयरलेसनेस से, लापरवाही से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। उस तंग आने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद और सिक ऑफ, तीनों का मतलब हो गया गेट बोर्ड, ऊब जाना। एंड टायर्ड फ्रॉम का सेंस क्या हो गया, गेट एग्जॉस्टेड, थक जाना, ठीक है। अब आप इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या सेंस हमारा निकल के आता है। लेट्स गो विद दीज क्वेश्चंस, आपको ये सॉल्व कर लेना है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप
एक मिनट का समय लीजिए और फटाफट इसको सॉल्व कर जाइए, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कॉन्सेप्ट को समझें, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन ओनली विल हैव बेटर आइडियाज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमने समझा कितना, हमें कहाँ से पता चलेगा। अब आप देखिए ध्यान से आप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कर्ड इज मेड डैस मिल्क। तो आपको ये कंपोनेंट समझना पड़ेगा कि कर्ड और मिल्क का क्या सेंस निकल के आ रहा। जब कर्ड माने हो गया दही, जब दही बनेगी दूध से तो क्वालिटी चेंज हो जाएगी या नहीं होगी? क्वालिटी चेंज हो जाएगी, और जब क्वालिटी चेंज हो जाएगी तो आप क्या यूज करेंगे? मेड फ्रॉम। सो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दिस इज द राइट आंसर। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दिस चेयर इज मेड डैश वुड, वुड माने लकड़ी, वुड माने लकड़ी। कभी कभी वुड्स होता है, ध्यान रखना वुड्स, और वुड्स माने होता है जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है? तो वुड माने हो गया लकड़ी। दिस चेयर इज मेड डैश वुड। अब वुड से कोई चीज बना है, चेयर बना है, तो वुड बनने के बाद चेयर की क्वालिटी अभी भी क्या है? वुड की है, और चेयर बनने से पहले भी क्वालिटी क्या थी? वुड की थी। तो ऐसे में चेंजिंग तो हुई नहीं क्वालिटी की, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। मेड ऑफ वुड हमारे पास आ गया। अगला देखे आप ध्यान से, ही वॉज टीयरफुल वेन ही पार्टेड डैस इज मदर। ही वॉज टीयरफुल वेन ही पार्टेड डैस इज मदर। टीयरफुल का मतलब क्या हो जाता है? आंखों में आंसू, मतलब उदास, निराश, है ना, थोड़ा सा रोना टाइप का हो गया। दिस इज व्हाट टीयरफुल। तो वो बड़ा ही टीयरफुल था व्हेन ही पार्टेड डैस इज मदर। जब अपनी माँ से वो क्या हुआ, अलग होगा तब तो टीयरफुल होगा। सो व्हेन ही पार्टेड फ्रॉम हिज मदर। ध्यान रखना पार्ट आ गया आपके पास यहाँ पे। लिंकअप कैसे करेंगे? आपके पास वर्ड आया पार्ट, और यहाँ पे क्या आ गया? मदर। मदर इज समबडी, मदर इज लिविंग। तो जब लिविंग के साथ हम पार्ट की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? फ्रॉम को यूज किया जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास आ गया नंबर फोर, शी डिड नॉट पार्ट डैश द नेकलेस। शी डिड नॉट पार्ट डैश द नेकलेस। वो नेकलेस मतलब क्या? हार। लड़की है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शी, और शी के साथ नेकलेस। ओ माई गॉड, लड़की औरत को गहने बड़े पसंद होते हैं, औरतों खासकर। अब आप उनसे गहना मांगना चाहो, असंभव है, आपको नहीं मिलेगा, आपकी जान चली जाए, ठीक है? तो क्या यहाँ पे बनेगा? शी डिड नॉट पार्ट डैश द नेकलेस। यहाँ पे क्या आ गया? विद द नेकलेस, मतलब उसने हार को नहीं दिया। अब पार्ट विद का सेंस सीधे सीधे ये निकल के आएगा, शी डिड नॉट गिव द नेकलेस, उसने नेकलेस नहीं दिया, है ना, हार नहीं दिया, दिस इज द सेंस। तो आपको उम्मीद है ये पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली बात पे आते हैं। आई वॉज टायर्ड डैश वॉकिंग एंड आई एम टायर्ड डैश हिज स्मोकिंग हैबिट्स। अब यहाँ तो दोनों समथिंग का सेंस आएगा, लेकिन ये देखना है कि कौन सी चीज बोरिंग हो जाती है और कौन सी चीज थकाती है, ठीक है? अब आपका रूममेट है, आप तो एकदम ठहरे कुछ ना खाने पीने वाले, है ना? आई होप आप गेटिंग, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको पता चला मेरा खाने पीने से क्या मतलब है। तो खाने पीने की बात है, आप खाने पीने वाले नहीं हो, और आपका दोस्त क्या है? पीने ही पीने वाला है। अच्छा एक वर्ड चलो यहाँ कर लेते हैं साथ ही साथ, जब बात आ गई है, जो अल्कोहल को बिल्कुल टच नहीं करता है, जैसे कि मैं, तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा? इसके लिए वर्ड हो जाता है टी टोटलर, टी डबल ई टी ओ टी ए एल ई आर। टी टोटलर का मतलब क्या हो जाता है? वन हु नेवर टेक्स अल्कोहल, हु नेवर टेक्स अल्कोहल इज कॉल्ड टी टोटलर। क्या बना? टी टोटलर का सेंस वहां पे आ गया, ठीक है जी। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से आप देखिए। तो मेरे पास वर्ड आ गया टीटोटलर, इसका मतलब हो गया कि जो बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाता, स्मोकिंग नहीं करता, वो अलग है। अब आपके पास वर्ड हमारे पास क्या आया? आई वॉज टायर्ड डैश वॉकिंग। वॉक करके कोई बंदा क्या होगा? वॉक करके बंदा थकता है, बोर नहीं होता। वॉक किया, थक गया, आराम किया, फिर वॉक करेगा। वॉकिंग अच्छी लगती है हमेशा। आप लेटे रहो, सोए रहो, बैठे रहो, कुछ देर बाद मन करेगा यार उठो और चलते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा सा टहलने हुए बहुत दिन हो गया, एंड वी ऑलवेज लाइक वॉकिंग। तो ही वॉज टायर्ड
थक सकता है कोई लेकिन बोर नहीं हो सकता. तो आई वॉज टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, मैं वॉक करते करते थक गया. एंड आई एम टायर्ड डैश इज स्मोकिंग हैबिट्स, मैं थक गया या बोर हो गया उसकी स्मोकिंग हैबिट्स से, मतलब हमेशा ही पीता रहता है. बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, ऐसे क्या किया, ऐसे उसने दो सिगरेट यहाँ लगा लिया और वो भाई साहब पिए जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे करके. अब तो दो का आ गया, अब जमाना कुछ और बढ़ेगा, तीन का भी आ जाएगा, है ना. कबीर सिंह आपने देखी होगी. तो आई एम टायर्ड डैश इज स्मोकिंग हैबिट्स, मैं थक गया या मैं बोर हो गया, क्या सेंस आएगा, तो यहाँ पे सेंस आएगा बोर हो जाना, ऊब जाना, कि उसकी स्मोकिंग हैबिट्स में ऊब गया. यहाँ पे क्या आएगा, आई एम टायर्ड ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट्स, ऑफ का सेंस यहाँ पे आएगा. सो आई एम टायर्ड ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट्स. तो हमने आज क्या किया इसमें, फिलहाल अभी हमने कुछ पेयर किए, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम किया, है ना. फिर हमने क्या किया, टायर्ड ऑफ और टायर्ड फ्रॉम किया. हमने और क्या किया, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद किया. अब इसमें बाकी सब जगह कॉमन है, खाली पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद को ध्यान रखना है. पार्ट फ्रॉम आप तभी लगाओगे जब पर्सन होगा तब, पार्ट फ्रॉम समबडी, ठीक है. यहाँ पे मदर क्या है, समबडी है, इसलिए हमने क्या लगा, पार्ट के साथ फ्रॉम लगा दिया. यहाँ पे चूंकि नेकलेस है, समथिंग का सेंस है, तो हमने क्या लगा दिया, पार्ट के साथ हमने यहाँ पे विद लगा दिया. सो पार्ट विद समथिंग एंड पार्ट फ्रॉम समबडी, ये सेंस हमारे पास आता है. तो उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आएगी. अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं एक बार लिव के बारे में. ध्यान से आप देखो लिव का सेंस क्या निकल के आता है. लेट्स सी अबाउट द विव, विद. तो जब मैं विद की बात करूंगा, सॉरी लिव, लिव की बात मैं करने जा रहा हूँ. लिव के साथ कब विद कब क्या वो सब देखते हैं. तो जब मैं लिव की बात करूंगा तो कई सारे उसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं, उसको हम लोग एक देखते हैं कि लिव के साथ क्या क्या आ सकता है. कई लोगों को पता होता है कि लिव के साथ हम लगा देते हैं एट, अगर छोटी जगह होती है तो. अब लिव के साथ और भी कुछ लग सकता है क्या, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं. ध्यान से आप देखिए कि लिव के साथ क्या क्या फील आता है. जब मैं लिव लगाता हूँ तो लिव के साथ क्या लग जाता है, लिव एट स्मॉल और एग्जैक्ट प्लेस. लिव के साथ हमने क्या लगा दिया, छोटा जगह है, कोई छोटी जगह हो, एग्जैक्ट प्लेस हुई, तो हमने क्या लगा दिया, लिव एट लगा दिया. लिव एट स्मॉल और एग्जैक्ट प्लेस, ठीक है. अब लिव की बात करूंगा तो मेरे पास एक और आ सकता है, लिव इन. अब लिव इन कब लगता है, जब कोई जिला हो, जब कोई स्टेट हो, जब कोई कंट्री हो, तो इन सभी केसेस में हम क्या लगाते हैं, लिव इन का सेंस लेके चलते हैं. ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली, ही लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ही लिव्स एट प्रीत विहार इन दिल्ली. तो ये सब क्या है, लिव एट का सेंस यहाँ पे निकल के आ जाता है और लिव इन का भी सेंस आ गया. मजेदार बात अब शुरू होने जा रही, ध्यान से आप देखिए. लिव डैश कैंपस, लिव डैश कैंपस अब क्या यूज करेंगे. तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ध्यान से आप देखिए, ही लिव्स डैश त्यागराज कॉलोनी डैश बीएचयू कैंपस. कहाँ पे है बीएचयू, आपको पता ही होगा. हाँ जी, यस, वाराणसी. सो डैश वाराणसी डैश यूपी डैश इंडिया. जल्दी से आप फिल करिए फटाफट, यहाँ पे क्या आ सकता है, फिर मैं आपको अगले स्टेज पे लेके चलता हूँ. तो अमूमन हर कोई बोलेगा एट त्यागराज कॉलोनी, फिर आप क्या बोलोगे, बीएचयू कैंपस है, तो आप यहाँ पे सोचोगे इन लगा दें. मैंने अभी ब्लैंक रखा है, पता नहीं क्या लगेगा भाई, मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं क्या लग सकता है. यहाँ पे डैश वाराणसी तुम्हारे पास क्या आएगा, वाराणसी जिला है, यूपी स्टेट है, इंडिया कंट्री है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. बस मुद्दा खाली यहाँ पे गड़बड़ हुआ, आपने सोचा कि कैंपस है तो अंदर ही तो होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कैंपस के साथ हमेशा ऑन आएगा. ऑन कैंपस सिलेक्शन होता है, ऑन कैंपस एक्टिविटी होती है. ऑन कैंपस का मतलब हो गया उस टेरिटरी में, उस एरिया में, लेकिन फ्रेज है हमेशा ये ऑन कैंपस ही आएगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है.
ठीक है जी, अब अपने पास क्या बात आ गई, सो ही लिव्स एट त्यागराज कॉलोनी ऑन BHU कैंपस, क्या बनेगा यहाँ पे, इट विल बी ऑन, ही लिव्स एट त्यागराज कॉलोनी ऑन BHU कैंपस, ठीक है, इन वाराणसी, इन यूपी, इन इंडिया, बताइए यहाँ तक बात समझ में आपको आई या नहीं आई, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम लोग फिलहाल अब इसके बाद और अब आपको बातें बताते हैं लिव के ऊपर, ध्यान से आप देखिए, लिव ऑन समथिंग, ये लिव ऑन समथिंग का सेंस क्या आया, समथिंग का मतलब क्या निकला यहाँ पे, अभी तक तो हमने कोई जगह देखा भाई, ये भी प्लेस है, ये भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट प्लेस है, और ये कैंपस तो प्लेस ही है, बट कैंपस के साथ ऑन लगता है, आपको ध्यान रख के चलना है। अगली बात हमारे पास क्या आई, वो ये आई कि लिव ऑन समथिंग का सेंस क्या निकल के आ गया। अब ये समथिंग मतलब क्या, तो समथिंग का मतलब क्या हो गया, मैं लिखता हूं खाने की वस्तु, मतलब ये समथिंग खाने की चीज हुई, फसल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, घास हो गई, मांस हो गया, है ना, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, कुछ भी हो सकता है, खाने की वस्तु। तो लिव ऑन समथिंग का मतलब हो गया खाने की वस्तु, क्या सेंस आएगा, ईट एंड बी डिपेंडेंट, खा के जीवन निर्वाह करना, खाना और जीना, मतलब हम वो चीज खा के उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उस सेंस में हम लेकर चलते हैं क्या, लिव ऑन समथिंग। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस ले लूं यहां पे, ध्यान से देखना आप, द डियर लिव्स डैश ग्रास, द डियर लिव्स डैश ग्रास, तो क्या सेंस आया यहां पे, मतलब हिरण घास खाती है और घास खा के अपना जीवन इसके ऊपर निर्भर करती है, मतलब यूं कहा जाए ये घास खा के ही जीवन जी पाती, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो क्या बना, द डियर लिव्स, अब यहां पे हम चलेंगे ऑन लगाएंगे, लिव्स ऑन ग्रास, तो लिव ऑन समथिंग, ये सेंस आपको ध्यान रखना, क्या आया हमारे पास, लिव ऑन समथिंग का सेंस आ गया, द डियर लिव्स ऑन ग्रास। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमने जो पहले शुरुआत की लिव के बारे में, वो शुरुआत कहां से हुई, ये तीनों सेंस हमारे पास आ गए रहने के सेंस में, रहने का सेंस, कहां पे, कैसे, कौन, क्या, छोटी जगह है तो एट, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री हुआ तो इन हमारे पास आ गया, कैंपस साथ ऑन लगता है, ध्यान रखना इन कभी मत लगाना, चलो रहने का काम हो गया, एग्जाम्पल मेरे पास ये आ गया। अब इस एग्जाम्पल के पास मैंने आपको जो दूसरी बात बताई वो क्या बताई, कि लिव ऑन समथिंग का मतलब क्या निकल के आता है, तो लिव ऑन समथिंग का मतलब हो जाता है खाने की वस्तु। अब वो खाने की वस्तु की बात जब भी आएगी, जब भी जिक्र आएगा, तो आपको ध्यान रखना क्या यूज करना है वहां पे, यस ऑन लगाना है, द डियर लिव्स ऑन ग्रास, ठीक है। अब दो चीजें और है लिव के ऊपर, इनको मैं बता रहा हूं, अब आप ध्यान से देखिए, तो मैं अब लिव के ऊपर दो बातें और बताने जा रहा हूं, इनको आप ध्यान से देखिए, लिव के साथ और क्या सेंस आ सकता है, दो बातें और, लेट्स सी, एक हो गया लिव बाय समथिंग, यार समथिंग तो वहां भी था, समथिंग यहां भी है, बट वो समथिंग क्या था, खाने की वस्तु, ये समथिंग क्या है, ध्यान से आप देखें, कोई ट्रेंड या कस्टम, कोई परंपरा या किसी कस्टम की बात हम करेंगे, तो दिस इज व्हाट लिव बाय समथिंग का सेंस आएगा। अब क्या मतलब हुआ, ध्यान से आप देखिए, इसका मतलब पहले मैं देख लेता हूं, मतलब ये हो गया कि किसी परंपरा को फॉलो करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिव बाय, जैसे द हिंदूज लिव
डैश सेवन राउंड्स अराउंड फायर, होता ना भाई ऐसा, सात फेरों के सातों वचन पिया भूल ना जाना, है ना, ये वही वाले हैं। तो हिंदूज क्या करते हैं, सात फेरे का जो एक परंपरा है, जो ट्रेंड है, उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हमारे पास बात क्या गई, द हिंदूज लिव डैश सेवन राउंड्स अराउंड फायर। तो ये जो सेवन राउंड्स है, ये एक परंपरा है, एक ट्रेंड है। तो लिव के साथ ट्रेंड वाली बात आई, खाने पीने की बात तो आई नहीं यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे बाय। द हिंदूज लिव बाई सेवन राउंड्स अराउंड फायर, मतलब लिव बाई समथिंग, लिव बाई अ ट्रेंड, लिव बाई एनी कस्टम, लिव बाई एनी रिचुअल का मतलब हो गया उस रिचुअल को, उस चीज को फॉलो करना, दिस इज लिव बाई। अब एक बात और देखते हैं लिव के ऊपर, ये बात अपनी एक हो गई। अब एक और चीज है, ध्यान से आप देखिए, लिव बाई डूइंग समथिंग। अब इस समथिंग का मतलब यहां पे क्या निकल के आ गया, ऑक्यूपेशन, कोई पेशा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे घर का चूल्हा चौकी कैसे चलता है, घर में अगर पिज्जा खाएंगे तो कहां से पिज्जा आएगा, पैसे से आएगा, पैसे मैं कैसे कमाता हूं, तो टीचिंग करके कमाता हूं, कोई सब्जी बेच के कमाता है, कोई ड्राइविंग करके कमाता है ना, और कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन करके वहां पे पैसे रुपए कमाता है ना, और कोई घुस लेता है, कोई वहां से पैसे कमाता है, तमाम तरीके के काम है पैसे कमाने के। अपने पास बात क्या आ गई, लिव बाय डूइंग समथिंग का सेंस क्या निकल के आ गया, कि उस ऑक्यूपेशन को करना, ठीक है। तो मैं अब क्या कह सकता हूं यहां पे, कोई पेशा करना या कोई काम करना, कोई पेशा या काम करना, जैसे शी लिव्स डैश टीचिंग एंड हर हस्बैंड लिव्स डैश रनिंग अ शॉप। तो मेरे पास अब यहां पे आ चुका है लिव्स डैश टीचिंग, टीचिंग करके क्या आएगा, लिव्स बाई, यहां भी आएगा लिव बाई का मतलब क्या हो गया, कोई काम करके जीवन निर्वाह करना, काम करके जीना, काम करके जीवन निर्वाह करना। तो अपने पास क्या है, शी लिव्स बाई टीचिंग एंड हर हस्बैंड लिव्स डैश रनिंग अ शॉप। यहाँ पे भी क्या आएगा, बाई आए, क्योंकि रनिंग अ शॉप का मतलब भी क्या हो गया, उस काम को करके जीवन निर्वाह करना। तो अपने पास जो बात आई वो यही आई, तो शी लिव्स बाई टीचिंग एंड हर हस्बैंड लिव्स बाई रनिंग अ शॉप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात आज समझ में आ चुकी होगी। हमने लिव के ऊपर 5 पॉइंट कर ली, हाउ मेनी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। अब लिव के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बाहर का हो ही नहीं सकता, और खास बात यह है कि इन सब चीजों को करने के लिए मुझे किसी भी तरह के चैप्टर की आवश्यकता नहीं है कि हाँ स्टार्टिंग होगी चैप्टर की तभी पढ़ेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन का एक छोटा सा पार्ट हुआ, बट ठीक है, एक अपने आप में ये ऐसा पार्ट है, इसको जब भी हम पढ़ेंगे आराम से समझ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप देखें ध्यान से, हमने पहले जो करा एक बार आपको रिकॉल कर दें, वो लिव के ऊपर जो जो बातें थी, वो बात क्या थी अपने पास, कि लिव एट स्मॉल या एग्जैक्ट प्लेस अपने पास आया, ठीक है, लिव इन डिस्ट्रिक्ट स्टेट या कंट्री हमारे पास आया, कैंपस आया तो हमने क्या यूज किया, लिव ऑन यूज कर लिया, राइट। ही लिव्स एट त्यागराज कॉलोनी ऑन BHU कैंपस, क्योंकि कैंपस आ चुका है, इन वाराणसी, इन UP, इन इंडिया, सिंपल सी बात है। अगली बात हमने आपको बताई कि लिव ऑन समथिंग का मतलब होता है खाने पीने की चीज के ऊपर, मतलब उसको खा के जीवन निर्वाह करना। तो हमारे पास बात आ गई, द डियर लिव्स ऑन ग्रास, हिरण घास खा के उस पर जीवन निर्वाह करता है। अगली बात ध्यान से आप देखें जो हमारे पास आ रही, वो क्या है, जब मैं बोलता हूँ लिव बाई समथिंग, तो क्या सेंस निकल के आ गया, किसी ट्रेंड या परंपरा को फॉलो करना। तो द हिंदूज लिव बाई सेवन राउंड्स अराउंड द फायर, अराउंड फायर, एंड लिव बाई डूइंग समथिंग का मतलब क्या निकल के आ गया, लिव बाई डूइंग समथिंग का मतलब हो गया कोई पेशा, ठीक है, कोई काम करके अपना जीवन निर्वाह करना, तो खा के नहीं, काम करके। तो अपने पास क्या आ गया, शी लिव्स बाई टीचिंग,
ठीक है, एंड हर हस्बैंड लिव्स बाय रनिंग अ शॉप, ये हमारे पास आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा अच्छे से और लिव का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आगे की चीज़ों को हम लोग बाद में करेंगे, तब देखेंगे उसको कि कहाँ पे क्या चीज़ होती हैं। अभी के लिए हमने लिव के ऊपर किया और मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, टायर्ड ऑफ, टायर्ड फ्रॉम, पार्ट विद, ये सारी बातें कर ली। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाकी बने रहिए, देखते रहिए और इंग्लिश को सुधारते रहिए। थैंक यू वेरी मच।